पन्ना था नवलिया कुतिया लटकाई परली गाड़ में रोगी मारे बारने बाबा रंग काट तो ये ठाऊंगे नाम में मेरा आना है दीपक ना असली ठाया से मैं असली नहीं गाऊंगा नरेंद्र गाओगा हम तो सिखाएंगे इसने भाई हमारे सीनियर कलाकार हैं मास्टर जीयों के साथ गुरु जी माँ से पाले राम जी के साथ भी गाए एक बार जोरदार तालियां बजाएं भाई जी साक ये गाओगे न उस हाकिन गए गैल गैल सीख लेंगे बोलिए निराकार भगवान की बोलिए टिल्ले वाले की। ये बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम आपके बीच में चला हुआ है और सभी सज्जन जानते हैं कि हर वर्ष बाबा जी अपने जन्म दिवस के उपलक्ष्य में बहुत बड़े विशाल भंडारे का आयोजन करते हैं और वे जन्मदिन तो एक बहाना है। बाबा जी ने अपने हाथ से ये भंडारा करना धर्मपुन करना दान करना है मुख्य उद्देश्य दान धर्म का है और साथ साथ में एक बहाना मिल गया कि भाई इस दिन मेरा जन्मदिवस है जन्मदिन है तो हम भगवान से कामना करते हैं बाबा जी इसी तरह ये भंडारे लगाते रहें खुशी के मेले लगते रहें और परमात्मा बाबा जी की हजारी उम्र लगावे इसी खुशी में भंडारा और ये सत्संग रूपी कार्यक्रम रात्रि का चला हुआ है और इसमें बड़े अच्छे अच्छे साथी कलाकार आए हुए हैं और बाबा जियों ने भी बड़ा दमखम बड़ा जोर लगाया और अब ये रंगकाट उपलब्ध ली गए कार्यक्रम तो सभी से निवेदन है सारे भाई एक बार आकर बैठ जाएं और सुबह सुबह का समय है और वो जैसा कि पहले बता दिया था कि भाई धर्म स्थान पे धर्म का ही प्रचार और धर्म का गाना होना चाहिए जो भाई दाएं में घूम रहे कृपया करो बैठ जाओ तो एक बात किस समय की कि जिस समय सावित्री ने सत्यवान के साथ शादी करने का संकल्प किया मन में और उसमें जब नारद मुनि ने कहा कि बेटी तू बहुत गलत कर रही है क्यों महाराज क्या सत्यवान की उम्र तेरी शादी से ठीक एक साल बाद वो मर जाएगा बेटी तू इस फैसले को बदल ले लेकिन संकल्प कर चुकी थी कि मैं शादी करूंगी तो सत्यवान के साथ करूंगी क्योंकि मैंने अपना पति मान लिया है और पतिव्रता औरत का सिर्फ एक पति होता है तो सावित्री और सत्यवान की जब शादी हुई ऋषि आश्रम पे तो वहां पे भी सत्यवान ने सावित्री को समझा के देवी अब भी वक्त है अब भी समय है तू अपने बाप से कह के अपने फैसले को बदल ले मेरे साथ तू बहुत दुख पाओगी जंगल व्यापार में ऋषि आश्रम पर रहता हूं मेरे माँ बाप अंधे हैं और तू क्या कैसा रहेगी तो एक बात में वो सत्यवान सावित्री को समझाते हैं और क्या कहते हैं भला
अरे नू आवे हेरे तन वृथा जिंदगी होली अरे गणा रंग मने नू आवे तने वृथा जिंदगी होली मेरे सावतरी तने के सोची तू कंगले गेला होली गणा रंग मने नू आवे तने वृथा जिंदगी होली लाकड़ी हो के बोले शेर बगेरे उड़े तू नू मर जागी रो रो के फिर मेरे बस की बात नहीं तू आप काट ले बो के रजी रजी करू मैं कौन कर छोके रजी रजी कर ओ कौन कर छोके सखी सहेली इकट्ठी हो के सखी सहेली होके मारेंगी तेरे बोली सावतरी तन के सोची तू कंगले गेला होली गणा रंग मने जो आवे तने वृथा बहुत ही सम्मानित भाई जग्गू रोहिला साहब 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं 50 रुपए से एक और भाई ने मान सम्मान किया बहुत बहुत धन्यवाद किया जाता है धन्यवाद बहुत बढ़िया तर्ज प्रभात का समय बड़ा अच्छा गाना सुनाया है महाराज जियों ने भी क्या आपने ये भजन सुना होगा कि अम्ब राजा की कथा सुनाऊं जिसने राम नाम पे घर खोया अम्ब लीरानी छोड़ डगर की ओर ठिकाना ना टोया सारे होगी रे रे माटी ना कुणबा सुखते सोया वह सरवर नीर गए पैरे पे फिर अपना अपना दुख रोया तू बेछड़े होया ने मिला दे प्रभु जी ऐसा चमन खिला दे ओम हरे ओम हरे ओम जिस समय वो दोनों भाई सरवर और नीर पहरे पर आपस में बातें करते हैं उनका सीनियर वहां पर मौजूद होता है दोनों भाइयों ने सलूट किया दोनों को अलग अलग दिशा में भेज दिया लेकिन इतनी दूर थे एक दूसरे की बात सुन पाव थे उस नीर से ये कहा भाई नीर तू छोटा है तेरे परिवार के बारे में मैं वही इतना सुनया है बड़ी दुखी कहानी सी थी कि हम दो रावण ने बोला मुझे नहीं पता वो सरवर के पास जाता है सरवर अपना दुख बताता है बताते बताते आख्या में पानी आया चौधरी साहब ने एक बात में क्या लिखा है सुनिए हाँ ए
दर्द मर्द की अरे ना जा पेता रो अरे अके बुझोगे दर्द मर्द की ना जाव्य पेतारो मेरा बाप डूब गया दरिया के मामा जननी गई खोई निवलारा अपने आप को छत्री बताता है और रोवे निवला दर्द इतना है अपने परिवार से अलग होने का ये गम निवलारा वो बह भागेगा नहीं क्या कहता है भागे किस तरिया मात पिता औरी बुआ बहन का मोह त्याग किस तरिया और बालक से न ये दुख देखे जी लागे किस तरिया कर्मा का कुछ बेरा ना बीते आगे किस तरिया कर्मा का कुछ बेरा ओ बीते आगे किस बिया बान में भूखे फेरते लूटे फेरे अरे देगा कौन रसोई मेरा बाप डूब गया दरिया के मामा जननी गई खोई आदरणीय जगगुरु अहिल्या जी 100 रुपए से सम्मान करते हैं बार बार धन्यवाद है धन्यवाद बहुत बढ़िया दोनों बातें भाइयों ने सुनाई कई भाइयों की फरमाइश थी जिस समय वो पवन भूप पैरे पे अपने मंत्री के साथ एक पेड़ के ऊपर चकवा चकवी नाम के पक्षी विरह की बातें करते हैं उस विरह वेदना को सुन के पवन भूप अपने मंत्री तेन बोलिया भाई मंत्री इस सेना नाड़े डांट ये महाराज आप क्या करोगे नुबलिया भाई घना करड़ा जी कर गया एक बात के द्वारा वो पवन भूप अपने मंत्री को संबोधित करते हैं क्या कहते हैं कैसे ओ अरे चकवा चकवी सुने रे
बोलते फिर ध्यान भूप का फिर गया। अरे चकवा चकवी सुन रहे बोलते फिर ध्यान भूप का फिर गया। अरे 12 साल होए अंजना तर फेटन ने जी करे गया। मेरे रह जगर न फूके ए रे चकवे बिनवा चकवी सुनी अंजना का दिल दुखे। अरे कोची कलीवा खड़ी बाग में बिन माली के सुख हेरा धोला रवाना वास हाथ में खड़ी महल पे कुके। अरे वाह मरने ते ना बिल्कुल चुके न्यू अंजना का मन भरे गया। अरे 12 साल होए अंजना फेटन ने जी करे गया। हमारे आदरणीय सौर वे से मान सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद धन्यवाद। सत्यवान सावित्री से कहता कि सावित्री मेरे माँ बाप और मेरी माता दोनों अंधे हैं, ऋषि आश्रम पे गुजारा करते हैं, राज से भ्रष्ट है, दुश्मनों ने राज छीन रखा है और तन्ने क्या कसारे रखेंगे, अब भी मौका है वापिस चली जा, मेरे साथ बहुत दुख पाओगी। हमारे लिए बहुत ही सम्मानित भाई जगदीश चंद्र चहल साहब, बहुत सारा इनाम पहले 100 रुपए से और मान सम्मान करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बताया दूसरे नंबर पे, ए रे माता मेरी अंधियारी से, ओ रे बाप मेरा अंधियारा, वो मान सीना किसे रे काम का जिसने ना बखती बचारा, तुरंग में ला के रेड़े आरी करे जान का गारा, एक भी बात रखी कोन्या मतलब खोल्या सारा, एक भी बात मतलब खो
करूं रे गुजारा और 1500 शेरी तन तोली सावतरी तन के सोची कंगले गेल्या ओली कणारंदे मने यू आवे बरे था जिंदगी होली रोटी खाई कोन्या दुख भी पता है शरीर फूक दिया गत समा ही कोन्या और राज घर में जन्म लिया तकदीर लिखाई कोन्या पण में सर गया रूस मेरा सर खसम गुसाई कोन्या खसम गुसाई ओ कोन्या चाचा ताऊ कुटुंब कबीला ये सब ने आखे चरोई मेरा बाप डूब गया दरिया के मामा जननी गई को सरदय बाबा तुरंतपुरी महाराज जी 100 रुपए से सम्मान आशीर्वाद देते हैं। दंडवत प्रणाम है, बार बार आदेश है, आदेश। करती होगी वो मखमल कैसा डकरी होगी तने अंजना और तीज त्योहार पति बिन सुने मारे बैठी मन अंद हेरा का गाय के माँ दुख पाली वा एकली मेरे बिन अंजना अरे गिण गिण काटे दिन अंजना रे परी मैं पापी ने सतरी गया 12 साल होए अंजना तेरे बैठन जी कर गया परम आदरणीय बाबा जी तुरंतपुरी महाराज जी बहुत आशीर्वाद सम्मान सारे रात से दिया है। 100 रुपए से और आशीर्वाद देते हैं। गुरुजियों के श्री चरणों में प्रणाम नमस्कार वंदना। आ जाओ
जे राज कवरे ने डोले जिसते तेरी रे या अगत सुधरी जा कोई बीज अगते में बोले तू रंग में ला के रहने आली करे जान के कोले धर्म कर्म मनी तराखिए न्यूए पर कैसो ले धर्म कर्म में नीत राखी कदे न्यूए पर कैसो ले न्यूए पर कैसो ले तू मैल हवेली मंगेगी रे मैल हवेली मंगेगी मेरे छोटी सी गरगोली सावतरी तन के सोची कंगले गेला ओली बना रंग मने न्यू आवे तने वर्था जिंदगी ओली ये अपने गांव साबरी से फौजी रामफल जी बहुत सारा इनाम पहले दे चुके हैं 100 रुपए से और मान सम्मान करते हैं फौजी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद किया जाता है धन्यवाद इतना दर्द बताया उस लड़के सरवर ने कि तेरा पिता तेरी आंखें के शय में दरिया में डूबे के हां लेकिन मरता मरता एक बात कह गया था या दुनिया सब मतलब की है अरे जुने सीला हगी चट काले जे भीतर ले मैं खे गे बालक थे कुछ कर नहीं सकते खड़े देखते रह गे नीरन छोड़ कयावे थे मेरे पिता धार में बह गे एक बात और सुनने लायक मरते मरते कह गे एक बात और सुनने लायक मरते मरते ओ बणी बणी के सब हो प्यारे सब हो प्यारे पर बिगड़ी मैं ना कोई मेरा बाप डूब गया दरिया के मामा जननी गई खोई भाई मारुति नाम का कोई लड़का है कदे गाड़ी सोचो मारुति नाम का कोई लड़का है ओल से परली साइड में बाबा जी बुला रहे हैं मारुति दे गलती ही सहरा रे सरी से फिर सने मानस ये रखया रे कर इने देखो को डे करी से ओए अंजना काना रे खोट रती भरे सारी खता मेरी से सब धर्म राज कर चले मुकदमा अंजना उर बरी से उर बरी से
मेरी रह भूल के कारण मंत्री मेरा लाल रे तम जरी गया बारह साल होए अंजना तर भेटन जी हमारे आदरणीय फौजी साहब बहुत मान सम्मान पूरी रात से किया है और 100 रुपए देते हैं बहुत धन्यवाद धन्यवाद। और आखिर में सत्यवान ने सावित्री से कहा कि सावित्री मेरा हर रोज का कार्य है, जंगल से लकड़ी लाता हूं, हवन के लिए ऋषियों की सेवा करता हूं, खाने के लिए फल और पीने के लिए जल, ये मेरा हर रोज का कार्य है। और तू मेरे पास आ गई तो तेरे भी यो एक काम काट का रोटा ठाए गेल गेल अंडे जी, इससे अच्छा है तू अब भी वापस चले जा। क्या बताया चौथे नंबर पे झगड़ा बारा बाटका फिर जंगल के मछट जा परी तेरा खाना पीना चाटका धरती के मसोना होगा काम नहीं से खाटका धरती के से हाट का यो छंद मेरे संग चाट का रे यो छंद मेरे चनू गुंडी के माकोली सावतरी तन के सोची कंगले गेला होली भाग मैना से पैसा देली धन माया पुन दान भाग मैना कर्म करिया जन पड़े भोगना बेईमान भाग मना से दुनिया की मन ठोकर खाई ज्ञान भाग मना से दुनिया की मन ठोकर अरे जाट मेरे सिंह दुनिया आ गए मेरा बाबा डूब गया दरिया के मामा जननी गई आ
आदरणीय रामफल फौजी साहब बहुत मान सम्मान पहले 100 रुपए से और सम्मान बार बार धन्यवाद। हे रे आवे याद मन अंजना की मुश्किल जाल था मणि, अरे मामूली सी एरबत कयू परी कर दी काल कामणी। आ दोया अड्डा कर फेर लिया फिर कट्ठी करी लामणी, फिर भरती ओण तर पहले मयूस ने पहरे सूट जामणी। ओ आज रो रो के न्यू कह रे जाटनी, कड़े जाट मेर संग मर गया, 12 साल होए अंजना फेटन ने जी करे गया।